दोस्तों, आज हम आप सभी को अटाला देवी मंदिर, जो कि अब अटाला मस्जिद बन चुकी है, उसके बारे में एक ऐसी जानकारी देंगे जिसे सुनकर आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। दरअसल ये मस्जिद, जिसे आज अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है, वो प्राचीन काल में अटाला देवी मंदिर था। परंतु मुगल आक्रांताओं ने इसे लूटा और फिर यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इस मस्जिद के मंदिर होने के प्रमाण यहाँ पर चप्पे चप्पे में मौजूद है। हर दीवारों पर हिंदू चिन्ह आज भी मौजूद है। परंतु जैसे ही ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला गरमाया और यहाँ पर शिवलिंग मिला, उसे देखकर अटाला मस्जिद के हिंदू विरोधी मुसलमान इस मस्जिद के दीवारों पर से हिंदू चिन्हों को घिस घिस कर मिटाने लगे। वे हर वो सबूत मिटाने लगे, कोई भी इसे मंदिर कह सकता है। लेकिन उनका ये कारनामा कैमरे में कैद हो गया। दोस्तों, आगे जो हुआ उसे सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अटाला देवी मंदिर किसने बनवाया और इसे बाद में किसने लूटा, तोड़ा और इस पर मंदिर बनवाया, और आखिर क्या है अटाला देवी मंदिर का संपूर्ण इतिहास, इसे जानना हर भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जौनपुर का सुप्रसिद्ध अटाला माता मंदिर, क्षमा करें अटाला शाही मस्जिद, जिसके बारे में कुछ हिंदू विरोधी दल ये बताते नहीं थकते कि ये भारत का अपने आप में एक ऐसा मस्जिद है जो बिना किसी मीनार के बना है, और उसकी बनावट में हिंदू मुस्लिम स्थापित्य कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों के अनुसार अटाला मस्जिद को 1408 में यहाँ के शासक सुल्तान इब्राहिम शर्की ने बनवाया था, जिसकी नींव तुगलक तृतीय ने 1377 में रखी थी। ये लोग आपको ये भी बताएंगे कि तुगलक ने जौनपुर शहर को अपने चचेरी भाई, जिसका नाम जौना खां भी था, उसकी याद में बनाया था। लेकिन ये लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि इसके पहले भी यहाँ पर एक सुंदर नगर था, जिसे कन्नौज के राजा विजयचंद्र ने बसाया था। उन्होंने ही इस अटाला देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। लेकिन तुगलक तृतीय के भाई इब्राहिम के बर्बरता के चलते ये मंदिर धराशाही हो गया। मंदिर के स्तंभों पर अनेकों तिथियां लिखी हुई है, जो इस बात का साक्ष्य है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद को बनवाया गया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि यह मंदिर बिना किसी मीनार के है और दूर से देखने पर आपको मंदिर ही नजर आएगा। मस्जिद के तीनों ओर बनी मेहराबदार छतें और उनके बीच में स्थित 174 वर्ग फीट का अहाता मंदिर का ही था। मंदिर के स्थान पर बनाई गई एक और मस्जिद है, चार उंगली मस्जिद। उसके मुख्य द्वार के बाईं ओर एक पत्थर है जो किसी हाथ की चार उंगलियों में सटीक बैठता है, चाहे उंगलियां बच्चे की हो या फिर किसी वयस्क की। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका निर्माण कन्नौज के राजा विजयचंद्र के जरिए हुआ था, और इसकी देखरेख जाफराबाद के गहरवार लोग किया करते थे। ये कहा जाता है कि इस मंदिर को गिरा देने का हुक्म फिरोज शाह ने दिया था, परंतु हिंदुओं ने बहादुरी से इसका विरोध किया, जिसके कारण समझौता होने पर उसे उसी प्रकार रहने दिया गया था। अंत में 1374 में ख्वाजा कमल शाह ने इसे मस्जिद का रूप देना प्रारंभ किया और 1408 में इसे इब्राहिम शाह ने पूरा किया। इसके विशाल शिलाओं पर हिंदू शैली के नमूने तराशे हुए हैं, कहीं कहीं पर कमल का पुष्प उत्कीर्ण है। ये मस्जिद जौनपुर के शिल्पकला का एक अति सुंदर नमूना है। अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाने की जानकारी इतिहास में दर्ज है। स्थानीय लोग भी अटाला देवी की मान्यता होने की वजह से वहां श्रद्धा से सिर झुकाते आए हैं। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद से जौनपुर की अटाला मस्जिद चर्चा में है। हाल में ही एक वीडियो सामने आई, जिसमें मस्जिद में लगे मंदिर के साक्ष्य वाले पत्थरों को घिस घिस कर समतल किया जा रहा था, जिसमें दिखाया गया है कि अटाला मस्जिद के उत्तरी गेट की बालकनी को हरे पर्दे से ढककर दीवारों के पत्थरों को ग्राइंडर से चिकना किया जा रहा है और मंदिर का साक्ष्य नष्ट किया जा रहा है। इसकी सूचना तत्काल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी जौनपुर को दी गई थी। इस संबंध में उच्च अधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसकी जाँच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई जाएगी।
दोस्तों ऐसे तमाम मंदिर आज भी मौजूद है जिसे मुगल आक्रमणकारियों ने लूटा, तोड़ा और फिर इसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आज जो भी लोग मुगल कालीन मस्जिदों का समर्थन करते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि बाहर से आए कुछ डाकुओं ने हमारे भारत को लूटा और सारा खजाना मिल बांटकर अपने साथ ले गए और जब तक भारत पर राज किया तब तक इस भारत को इतना गरीब कर दिया जिसकी मार आज भी पूरा भारत झेल रहा है। इसीलिए सच का साथ देना चाहिए क्योंकि सच कुछ देर के लिए दब सकता है परंतु मिट नहीं सकता। दोस्तों क्या आप सभी को अटाला देवी मंदिर के बारे में जानकारी थी? क्या इस मंदिर पर शोध कार्य होना चाहिए? इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।